हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन इंट्रोडक्स वीडियो लेक्चर ऑफ कॉस्मेटिक पार्ट सेवन वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कैलेमाइन लोसन सो हमारा जो पार्ट सेवन वीडियो लेक्चर है ऑन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन इज बेज ऑन ए कैलेमाइन लोसन सो वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन इन्ग्रीडियंट्स रोल ऑफ इंग्रेडियंट्स फार्मुलेसन evaluation and storage condition of a calamine lotion so let's start in this lecture the information given in this video for examination purpose of pharmacy students only the images and content used for this purpose of detailed explanation of marketed formulation with student our content of this lecture is not promoting any brand or products the information is for Improve the knowledge of cosmetic products with the pharmacy students. Now you can use the PharmaRox mobile application which is available on Google Play Store. So, download their PharmaRox Android application on Google Play. So, you can start your taste series. You can also watch the video lectures and you can order the study material in printed as well as in a PDF format on a mobile app. So, download their PharmaRox Android application on Google Play. सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेलॉन एंड एनीस सो फेमस कैलेमाइन लोसन ब्रांड की यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो कॉस्मेटिक्स की जो ब्रांड है कि समझो कि लेक्टो कैलेमाइन एक काफी फेमस ब्रांड है उसके बाद स्वान कैलेमाइन लोसन केयर प्लस कैलेमाइन लोसन वगैरह जो है वह काफी फेमस ब्रांड्स है कैलेमाइन लोसन के तो सभी ने कैलेमाइन लोसन एक या दो कोई भी तरीके से यूज़ किया ही होगा तो जानते हैं आज के लेक्चर में इन डिटेल अबाउट द कैलेमाइन लोसन सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैलेमाइन लोसन सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ के कैलेमाइन लोसन और मेडिकेशन यूज टू ट्रीट माइल्ड इचिनेस तो इस तरह से इसका जो टेक्सचर रहता है कैलेमाइन लोसन का कि जो कलर में रहता है पिंक ओके और जो पिंक कलर है इट इज ड्यू टू दिस कैलेमाइन जिसके कारण ये लोशन को भी नाम दिया गया है कैलेमाइन लोशन। और उसके जो मेन यूज है टू ट्रीट माइल्ड इचीनेस मतलब कि स्किन ऊपर समझो कि कोई रेसिस है इचिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कैलेमाइन लोशन को यूज करते हैं दिस इंक्लूड्स फ्रॉम सनबर्न इंसेक्ट बाइट्स पॉइजन ई वी पॉइजन ऑक और अदर माइल्ड स्किन कंडीशन मतलब कि कोई भी तरह से समझो कि आपकी स्किन डैमेज हुई है कि लाइक अलग अलग स्किन कंडीशन के सनबर्न हुआ है कोई इंसेक्ट के बाइट्स है कि जिसके कारण स्किन पे किसी भी तरह पे डैमेज हुए तो हम हाँ इस तरह से कैलेमाइन लोसन जो है वो यूज़ करते हैं बाय सिंपली अप्लाइंग ऑन द स्किन इट मे ऑल्सो हेल्प ड्राई आउट स्किन इरीटेसन ड्राई आउट मतलब कि टू एलिमिनेट द स्किन इरीटेशन के स्किन पर समझो कि कोई भी टाइप का इरीटेशन हो रहा है तो उसको आप रिमूव uh, करने के लिए या फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए आप कैलेमाइन लोशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन एज ए क्रीम और लोसन साइड इफ़ेक्ट में इंक्लूड द स्किन इरिटेशन। कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट को कैलेमाइन लोशन सूट नहीं है कि समझो कि एलर्जी है कैलेमाइन की तो उनको ये स्किन इरिटेशन हो सकता है ड्यू टू द कैलेमाइन लोशन क्योंकि कैलेमाइन लोशन के अंदर जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि लाइक कैलेमाइन होता है फिर जिंक ऑक्साइड होता है बेंटोनाइट होता है ओके तो वो सब इंग्रेडिएंट्स के समझो कि किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उनको स्किन इरिटेशन होने के चांसेस हैं सो so ये था बेसिक रिगार्डिंग द कैलेमाइन लोशन। अब जानते हैं डिटेल में उसके यूज तो इट इज़ यूज एज ए एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजट तो जो फार्मास्यूटिक्स के टर्म्स में हम कहें तो कैलेमाइन लोशन का यूज़ है एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड एज एन एंटीसेप्टिक लोशन तो ऐसा लोशन की जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है उसके पास एज वेल एज इट ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तो वो लोशन हो होगा आपका कैलेमाइन लोशन तो उसके और भी जो यूज है वो है इग्जेमा मतलब कि कोई इचिंग हो रही है आपको स्किन ऊपर फिर एम्पेटिगो सनबर्न डर्मेटाइटिस इचिंग आ, वेरिकोस अल्सर्स एंड सोराइसिस तो ये जितने भी यहाँ पे हमने टर्म देखे वो है डर्मेटोलॉजिकल डिशीज ओके कि जो हम कह सकते हैं डर्मेटोलॉजिकल या फिर दूसरे टर्म्स में कहे तो स्किन डिसीज सिंपल आप एक वर्ड भी में भी किसी को समझा सकते हैं कि जो कैलेमाइन लोशन का यूज होता है स्किन डिशीज के अंदर ओके कोई भी टाइप के आपके बॉडी पे आपको स्किन डिसीज दिख रही है तो वहां पे आप बेजिजक कैलेमाइन लोसन जो है वो यूज कर सकते बिकॉज इट हैव ए मल्टीपल यूज ओके कोई एक यूज नहीं है कैलेमाइन लोसन का इट हैव ए मल्टीपल यूज़ेस ओके दैट्स वाई जो मेनली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है स्किन के ऊपर तो उस वक्त एज एन एंटीसेप्टिक और एज एस अ एस्ट्रिंजन प्रॉपर्टी कैलेमाइन लोसन जो है वो आप यूज कर सकते हैं आगे जानते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए समझो कि आपको कैलेमाइन लोसन बनाना है लैब के अंदर तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी डिजिटल वेट बैलेंस की टू वे द इंग्रेडिएंट्स फिर मोटर एंड पिस्टल आपको चाहिए फॉर द ट्राइचुरेशन एंड मिक्सिंग आफ्टर दैट मेजरिंग सिलेंडर टू वे टू मेजर द वेरियस लिक्विड कंपोनेंट्स कि जो लिक्विड पोर्शन रहेगा कैलेमाइन लूसन का तो उसको अच्छे से मेजर करने के लिए आप यूज करोगे मेजरिंग सिलेंडर वे करने के लिए आपके पास है डिजिटल वे बैलेंस कलर्ड डिस्पेंसिंग बॉटल विथ स्टॉपर कि जहां पे हम देख सकते हैं कि इस तरह की एम्बर कलर की ओके एम्बर कलर की आप बॉटल यूज करोगे खासकर बिकॉज कि आपको समझो कि डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है आप ये उसको आप सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कैलिमेन लोसन की जो प्रिपरेशन है उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप एम्बर कलर की ये जो डिस्पेंसिंग बॉटल होती है उसके अंदर पोर कर सकते हैं विथ दिस टाइप ऑफ एयरटाइट स्टॉपर सीजर्स की जरूरत है स्पेचुला पिपेट गम एंड वाइट पेपर गम एंड वाइट पेपर कि समझो कि आपने इस तरह से कोई अट्रैक्टिव लेबल बनाया है तो लेबल को फिक्स करने के लिए आपको ज़रूरी है गम वाइट पेपर और उसको अच्छे से कट करने के लिए आपको चाहिए सीजर स्पैचूला की ज़रूरत पड़ेगी कि जब आप बटर पेपर पे इंग्रेडिएंट्स को वे करोगे तो उसके लिए ज़रूरी रहेगा कि जो रॉ मटेरियल में से इंग्रेडिएंट्स को निकालने के लिए वे करने के लिए ज़रूरी है स्पैचूला और जो अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लिसरीन को आपको लेना है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी पीपेट की सो दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैलेमाइन लोसन आगे जानते हैं कैलेमाइन लोसन के जो इंग्रेडिएंट्स है विथ देयर रोल दिस इज योर मेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन पॉइंट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर वाइवा के अंदर भी रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है वो पूछते तो इसके लिए ये वाला टेबल आपके लिए है एक पिन पॉइंट तो सभी पॉइंट को अच्छे से आप समझ लीजिए तो सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट कैलेमाइन की उसकी क्वांटिटी रहेगी अराउंड 15 ग्राम तो उसका रोल क्या है लोशन के अंदर तो एंटी इच मेडिसिन मतलब कि जो इचिंग होती है उसके सामने जो प्रोटेक्टिव कोई भी मेडिसिन है तो वो है कैलेमाइन और दूसरी उसकी इफेक्ट है कि कूलिंग सेंसेशन इट प्रोवाइड द कूलिंग सेंसेशन ऑन स्किन जिंक ऑक्साइड की जिसकी क्वांटिटी है फाइव ग्राम उसका रोल है एज एन एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट एंड ए प्रोटेक्टिव इन ए नेचर के स्किन प्रोटेक्टिव उसका मेन यूज है बेंटोनाइट की जो है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट बिकॉज ये जो कैलेमाइन लोशन बनेगा वो एक टाइप का रहेगा सस्पेंशन ऑफ कैलेमाइन जिंक और, और इन ए कि जिंक और कैलेमाइन का जो सस्पेंशन बनता है उसको हम कहते हैं कैलेमाइन लोशन और उसके अंदर जो अदर इंग्रेडिएंट्स है कि लाइक बेंटोनाइट तो वो है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट और रिड्यूस द विस्कोसिटी ग्लिसरीन हम ऐड करते हैं अराउंड फाइव एम एल टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ ए लोशन एयर और उसका जो रोल है वो है एज एन इमोलियंट उसके बाद जो फिनॉल ऐड करते हैं हम ओनली वन टू टू ड्रॉप्स ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम फिनॉल यूज कर रहे हैं एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसके कारण हम यूज करेंगे ओनली वन टू टू ड्रॉप्स ऑफ ए फिन और बाकी का हंड्रेड एम एल मेकअप करने के लिए हम यूज करेंगे वाटर विच इज यूज एज ए वहीकल तो ये होगा फॉर्मूला विथ रोल ऑफ द इंग्रेडिएंट। दिस इज रिगार्डिंग द कैलेमाइन लोसन आगे जानते हैं प्रोसीजर कि आप कैलेमाइन लोसन को कैसे बनाओगे तो सबसे पहले जरूरी है सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वे करना तो सभी को आपको डिजिटल वेट बैलेंस से अच्छे से वे कर लेना है एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलेमाइन जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट वेयर वे एंड प्लेस इन ए मोल्टर अब क्या करोगे आपके पास ये मोर्टर है साथ में पेस्टल भी है ओके तो उसको आप क्या करोगे इसके अंदर कैलेमाइन जिंक ऑक्साइड और बेंटेनाइट तीनों को मिक्स करके अच्छे से आप कोई सेम डायरेक्शन में करोगे ट्राइचुरेशन विथ अप्लाइंग द प्रेशर अच्छे से प्रेशर देकर आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को क्या करना है ग्राइंड करना है so triturate it to make the uniform size by size reduction the mixture was grounded to make them fine particles ki uske fine particle banane ke liye hum isko acche se grind karenge by applying proper pressure in a mortar to calamine zinc oxide और तीनों के particle size जो है वो different होगी okay? तीनों की जो size है particles की वो कैसी होगी different होगी तो उसको सेम साइज करने के लिए या फिर फाइन पार्टिकल करने के लिए जरूरी है उसको अच्छे से ग्राइंड करना तो वो कर लो कि आप बाय यूजिंग मोटर पेस्टल आफ्टर दैट टू एम एल ऑफ वाटर ग्लिस एडेड एंड फाइन पेस्ट वर्ड मेड फ्रॉम देम अब आपके पास जो अदर इंग्रेडिएंट्स है ग्लिसरीन और वाटर उसमें से 5 एम एल ग्लिसरीन लोगे और 5 से 10 एम एल जितना वाटर आप मोटर में ऐड करके थोड़ा सा ट्राइचूरेट करोगे तो क्या होगा अंदर एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा फाइन पेस्ट अब वो पेस्ट को आपको करनी है डाइल्यूट नाउ केयरफुली मेक द डाइल्यूशन ऑफ दिस पेस्ट यूजिंग द वॉटर तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो आ, क्लोसन जो है वो अच्छे से तैयार होगा बिकॉज जो बेंटोनाइट है वो सस्पेंडिंग एजेंट है तो उसको अच्छे से ट्राइच्यूरेट करके कैलेमाइन और जिंक ऑक्साइड के साथ बाइंडिंग करवाना बहुत ही जरूरी है जिसके कारण हम पहले तैयार करते हैं एक फाइन पेस्ट अब यह पेस्ट को हम स्लोली डाइल्यूट करते हैं यूजिंग द वॉटर विद द प्रॉपर ट्रैच्यसन सो नाउ मेक दिस पेस्ट पोरेबल बाय डाइल्यूशन कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये पोरेबल हो सकती है पोरेबल मतलब ये आपका कंटेनर वन है और यह है आपका कंटेनर टू कंटेनर टू में आपके पास है ऐसी बॉटल तो कंटेनर वन में से टू में आप इजीली ये लोशन को ट्रांसफर कर सको उसको हम कहेंगे पोरेबल पोर Pour मतलब एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में उसको हम इजीली ट्रांसफर कर सके इसलिए जरूरी है उसका पोरेबल होना और पोरेबल करने के लिए जरूरी है डायल्यूशन करना और यूज वाटर फॉर द डायल्यूशन ट्रांसफर इट इन ए मेजरिंग सिलेंडर नाउ एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम अप टू हंड्रेड एम एल यूजिंग वाटर अब आपका ये जो कैलिमैन लोसन है उसको आप इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर में फिल कर दोगे मोटर पेस्टल में से निकाल कर निकाल कर और अब आपको करना है वॉल्यूम 100 एम तो समझो कि आपने जब बनाया तब आपका मोटर में से ट्रांसफर किया तब है 70 एम आपको दिख रहा है ये लोसन और आपको बनाना है टोटल 100 एम तो रिमेनिंग जो 30 एम है वो आप वाटर ऐड करोगे और फिर से एक बार यहाँ पे ग्लास डाल के आप थोड़ा सा स्ट्राचुरेट कर दोगे स्टर कर दोगे कि जिससे अच्छे से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए अब क्या करना है आपको कोई सुटेबल कंटेनर में उसको ट्रांसफर कर लेना है एंड लेबल करना है एंड इवेल्यूएट करना है सो so, आगे जानते हैं अब रिगार्डिंग द ईच एंड एवरी जो हम यूज करते हैं कैलेमाइन कि जब शॉर्ट नॉट पूछी जाती है तब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है तो शुरुआत करते हैं हम कैलेमाइन से तो कैलेमाइन केमिकली क्या है तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस फेरस सॉरी फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेडेनो अराउंड नाइनटी एट एंड एफ की जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड तो आ, कुछ केसेस के अंदर 0.5 फाइव परसेंट फेरिक एसिड होता है और इन सम केसेस 2 परसेंट तो ये हो गया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कैलेमाइन तो ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको दो कंपोजिशन याद रखने हैं 98 परसेंट प्लस 2 परसेंट एफ टू ओ थ्री या फिर जिंक ऑक्साइड प्लस जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फेरिक ऑक्साइड तो ये है कंपोजिशन ऑफ ए कैलेमाइन उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं तो इट इम्पार्ट द कलर एंड इट इज ए इरिटेंट। तो उसको आप देख सकते हो कि ये पिंक कलर का हमें दिख रहा है तो ये जो कैलेमाइन लोशन का पिंक कलर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू दिस कैलेमाइन इंग्रेडिएंट। सो अप्लाई टू ओनली ओवर इंटैक्ट स्किन नॉट ऑन द ओपन वाउंड तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैलेमाइन लोशन है उसको आप कवर की हुई जो स्किन है उसके ऊपर ही अप्लाई करना है नॉट ऑन द ओपन वाउंड ओके आगे हम देखने ही वाले हैं उसके प्रिकॉशंस वहां पे हम डिटेल में देखेंगे आगे जानते हैं जिंक ऑक्साइड के बारे में तो उसका एक रोल है एज एंटीसेप्टिक प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि आप जो भी अफेक्टेड पार्ट पे कैलेमाइन लोशन लगाओगे तो ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा और प्रिवेंट करेगा ग्रोथ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसके कारण कोई डिसीज हो रही है स्किन ऊपर तो उसको ट्रीट करेगा सेकंड है एस्ट्रिंजेंट कोजिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्किन सेल एंड अदर बॉडी टिश्यू वर्ड डिराइव फ्रॉम द लेटिन एस्ट्रिंजिन जीर विच मीन्स टू बाइंड फास्ट कि जो एस्ट्रिंजेंट वर्ड कहाँ से आया तो एडस्ट्रीम uh, जीर पर से एस्ट्रिंजेंट वर्ड बना है कि जिसका मीनिंग होता है टू बाइंड फास्ट सो इट इज ए प्रोटेक्टिव एंड सुथिंग एजेंट सबस्ट्रक्ट सब्सटेंस दैट प्रेसिपिटेड प्रोटीन बट डू नॉट पेनेट्रेट द सेल्थ अफेक्ट इन द सुपरफिशियल लेयर ओनली तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है कि जो जिंक ऑक्साइड क्या करता है दैट प्रेसिपिटेट द प्रोटीन बट डू नॉट पेनेट्रेट द सेल कि हमारे जो बॉडी के सेल है उसको पेनेट्रेट करके वो अंदर की ओर नहीं जाता जस्ट क्या करता है प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है थर्स अफेक्ट इन सुपरफेसियल लेयर ऑनली कि जो स्किन का सुपरफेसियल लेयर है वहीं पे ये इफेक्टिव हो और आपको ये वर्ड खास रख, याद रखना है कि जो लेटिन वर्ड एड्रेस स्ट्रिंग जीर जो वर्ड है वो उसका मतलब है कि टू बाइंड फास्ट और उस पर से वर्ड बनता है एस्ट्रिंग जेंट की जो प्रोवाइड करता है कूलिंग सेंसेशन एज वेल एज द स्किन प्रोटेक्टिव एंड सुथिंग एक्शन बाय अप्लाइंग ऑन ए स्किन आगे जानते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जो है बेंटोनाइट तो बेंटोनाइट इज केमिकली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट तो वेन वॉटर इज एडेड इट्स वेल्सअप टू गिव जेल लाइक बट नॉन विस्कस कंसिस्टेंसी कि जब हम वॉटर एड करते हैं तो यह क्या होता है कि बेंटोनाइट स्वेल होता है और एक हमें जेल लाइक कंसिस्टेंसी देता है बट इट इज अ नॉन विस्कस कंसिस्टेंसी एंड इट इज एक्ट एज ए सस्पेंडिंग एजेंट एंड रिड्यूज द विस्कोसिटी इट हेल्प्स टू मेक द लोसन यूनिफॉर्म की जो आपका लोसन बनता है वो कैसा बनता है यूनिफॉर्म के सभी यूनिफॉर्मिटी आपको मिलती है प्रॉपर नॉन विस्कस कंसिस्टेंसी मिलती है ड्यू टू दिस बेंटोनाइट और बेंटोनाइट का केमिकल नेम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट तो दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट कि बेंटोनाइट इज केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज ए हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट आगे जानते हैं ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन जो है वो हाइग्रोस्कोपी की नेचर है प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ लोशन सो so, लोशन रिमेन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लॉन्गर टाइम क्या आपने देखा होगा कि जब कैलेमाइन लोशन लगाते हो तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होता बिकॉज ऑफ द रीजन ग्लिसरीन कि जो ग्लिसरीन रोल है एज ह्यूमेक्टेंट इमोलियंट एंड ऑयली सब्सटेंस की जो प्रिवेंट करता है ड्राइंग

ओके okay, तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है कि ऑक्लूसिव फिल्म तैयार करता है ओवर द स्किन एंड प्रिवेंट द इवापोरेशन थर्स रिस्टोर द इलास्टिसिटी ऑफ क्रैक्ड एंड ड्राई स्किन मतलब कि एक ऑक्लूसिव लेयर ऐसा होता है कि जो मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता ओके okay? सो so जिसके कारण हमारे स्किन का मॉइस्चर जो है वो प्रिवेंट रहता है कि मॉइस्चर अंदर की ओर ही रहेगा वो बाहर नहीं होगा कि जिसके कारण क्या होगा

बिकॉज कि आगे हमने देखा था कि जो कैलेमाइन है वो एक प्रकार से इरिटेंट भी है कि इस तरह के पार्ट पे वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है कि जिसके कारण हम जो खुले गा है हमारे बॉडी के या फिर कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पे उसको एम्प्लाई करना जो है वो रिस्की है नेक्स्ट वॉट इज द यूज ऑफ कैलेमाइन लोसन इट इज यूज टू ट्रीट माइल्ड इचिनेस सनबर्न इंसेक्ट बाइट्स पॉइजन ए वी पॉइजन ऑक स्किन ड्रेसिस एंड माइल्ड स्किन कंडीशन तो सिंकल वर्ड्स में कहे तो कोई फंगल इन्फेक्शन है स्किन का ओके कि फंगल इन्फेक्शन के कारण स्किन आपकी डैमेज हुई है या फिर अदर वर्ड्स में कहे तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये कैलेमाइन लोसन जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू तो ट्रीट द वेरियस डर्मेटोलॉजिकल डिसीज एंड डिसरेक्टली इस तरह से देख सकते हो कि पिंक कलर का उसका अपियरेंस आपको दिखेगा आफ्टर दैट कलर तो कलर जो है उसका पिंक विस्कोसिटी आप चेक कर सकते हो कि काफी थीन तो नहीं है ओके या फिर बहुत ज्यादा विस्कस भी नहीं हो जाना चाहिए इट सुड बी द मॉडरेट विस्कोसिटी तो उसको आप विस्कोमीटर से चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द विस्कोमीटर सो दिस इज रिगार्डिंग द विस्कोसिटी आफ्टर दैट स्प्रेडिबिलिटी तो इस तरह से जो स्किन ऊपर ये स्प्रेड हुआ है तो इजिली स्प्रेड हो जाना चाहिए दैट्स वाई स्प्रेडिबिलिटी देन वॉशेबिलिटी तो समझो कि आपको यहां से फिर वॉश करना है तो यू कैन इजिली यूज दिसोसन विथ यूजिंग वॉटर स्किन इरिटेशन टेस्ट कि जब आप स्किन पर अप्लाई करते हो तो कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए तो स्किन इरिटेशन टेस्ट परफॉर्म की जाती है कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे आप वन कंटेनर टू वन कंटेनर इजीली आप उसको ट्रांसफर कर सके एंड लास्ट में सेडिमेंटेशन बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ सस्पेंशन ओके सस्पेंशन होने के चाहे होने के कारण आपको चेक करना है उसका सेडिमेंटेशन रेट एंड सेडिमेंटेशन रेशियो। सो जो फेमस कैलेमाइन लोशन के जो ब्रांड्स है लैक्टो कैलेमाइन ओके फिर कैलेमाइन लोशन, ओ, फिर कैर प्लस का भी कैलेमाइन लोशन, स्वेन, देन पीरामल हेल्थ केयर का आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो कैलेमाइन लोशन। आफ्टर दैट लैक्टो कैलेमाइन तो मार्केट रेट प्रिपेरेशन विच कंटेन्स द केसिन एंड फिनॉल The normal constituents, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन है लेक्टो केलेमाइन तो वो उसके अंदर होते है केसिन एंड फिनॉल की केसिन uh, का रोल है एज एन सुदिंग एजेंट और फिनॉल एक्ट एज ए रिजर्वेटिव एंड एंटीसेप्टिक फिर कैलेमाइन लोशन एक सस्पेंशन है ओके इसलिए जरूरी है डायरेक्शन के सेक वेल बिफोर यूज़ ओके कि सेक वेल बिफोर यूज जो है वो उसके लेबल ऊपर प्रिंट किया होता है बिकॉज कि ये एक सस्पेंशन के जिसके कारण सेडिमेंटेशन होने का चांसेस है जिसके कारण इसके जो कंटेनर के ऊपर खास लिखना जरूरी होता है कि सेक वेल बिफोर यूज़ सो ये जान लिया आपने लेक्टो आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कॉस्मेटिक पार्ट एट इट इज बेस्ड ऑन अ पाउडर्स की जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे पाउडर्स का उसके इंग्रेडिएंट्स रोल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फार्मुलेशन एंड वेरियस वेरियसिवेल पैरामीटर्स ऑफ ए पाउडर्स सो टिल देन यू कैन यूज द फार्मर ऑक्स एप डाउनलोड दमर ऑक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स to join Farmerox WhatsApp groups